महाराष्ट्र में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद पे, जिस पर हमने कुछ समय पहले बात की थी, जिसमें कि लोकसभा के एमपी नवनीत राणा और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे जी के रेसिडेंस के बाहर लाउडस्पीकर पे हनुमान चालीसा बजाने की बात कही थी। उनको गिरफ्तार किया गया था 23 अप्रैल को और उनको बेल नहीं मिली थी। उनको 10 दिन से ज्यादा जेल में रहना पड़ा था, जिसके बाद उनको बेल मिली, वो बाहर आए। और बाहर आने के बाद अब एक दिन पहले नवनीत राणा जी निकल के आई, उन्होंने एक लेटर लिखा ओम बिरला जी को, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, और उस लेटर में उन्होंने शिकायत की है महाराष्ट्र की पुलिस की और उद्धव ठाकरे जी की सरकार की। उस लेटर के बाद एक पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई गई जो इस मामले की जांच करेगी, और आज उसने नवनीत राणा जी के पक्ष को सुना है, उनके बयान को सुना है। उन्होंने क्या बयान दिया कि उनकी जो गिरफ्तारी की गई थी वो अवैध थी, मतलब किसी भी तरीके से सही गिरफ्तारी नहीं की गई थी उनकी, और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया पुलिस के द्वारा, मतलब उनको इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया गया पुलिस स्टेशन में पुलिस के द्वारा। अब उन्होंने जो आरोप लगाए हैं अगर इस कमेटी के द्वारा सिद्ध हो जाते हैं तो ये एक्चुअल में दर्शाएगा उद्धव ठाकरे जी की सरकार की गुंडागर्दी, उनके पुलिस की गुंडागर्दी और उनके पुलिस की मनमानी, क्योंकि इनके आरोप ही कुछ इस प्रकार है। इन्होंने जो लेटर लिखा उसमें इन्होंने बताया था कि इनकी जो गिरफ्तारी की है वो अवैध तरीके से हुई है और इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया पुलिस के द्वारा पुलिस स्टेशन में, मतलब इनके साथ इनह्यूमन बिहेव किया गया, इनको इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया गया पुलिस स्टेशन में। देखिए, अगर आपको पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है तो भी आपके पास कुछ राइट्स होते हैं संविधान के हिसाब से, जिनको आप पुलिस आपसे नहीं छीन सकती, लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस कैसी है वो हम सबने देख लिया। जो अर्णब गोस्वामी के साथ भी, उनको उनके वकील से बात करने नहीं दे रही थी, उनको किसी तरीके का कोई सुविधा नहीं दे रही थी, उनको पुलिस स्टेशन में मारा जा रहा था जैसा कि उन्होंने बताया। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके का कुछ केस हुआ है, जैसा कि नवनीत नारायण जी ने आरोप लगाया है कि पुलिस स्टेशन में उनको पानी तक पीने नहीं दिया जा रहा था और वॉशरूम तक यूज नहीं करने दिया जा रहा था इस पुलिस के द्वारा, जो कि उद्धव ठाकरे जी के नियंत्रण में आती है, महाराष्ट्र की सरकार के नियंत्रण में आती है। एक्चुअल में ये आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके का व्यवहार करती है। अगर आप इस शिवसेना के खिलाफ बोल दोगे या चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोल दोगे, मैं इनमें से किसी का समर्थन नहीं करता किसी भी पक्ष का, लेकिन ये जो इन्होंने आरोप लगाया है ये आप तक पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि ये दर्शाता है महाराष्ट्र की पुलिस की मनमानी को। नवनीत राणा जी ने यह भी डिमांड किया कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र की सरकार को नोटिस भेज के उनसे जवाब मांगे कि ऐसा क्यों हुआ। और ये जो कमेटी बैठाई गई थी, इन्होंने आज इनका पक्ष सुना और इन्होंने मुंबई पुलिस को भी बताया है कि आप भी आके अपना पक्ष क्लियर करें, जिससे कि क्लैरिटी हो जाए इस मामले में और जो कुछ भी हुआ है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। तो एक्चुअल में अब हमें इंतजार करना चाहिए कि क्या सिद्ध होता है, कोर्ट में क्या सिद्ध कर पाती है कमेटी, और अगर ये नवनीत राणा जी के साथ इन लोगों ने, मुंबई पुलिस ने इस तरीके का व्यवहार किया है, तो उसके हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।